यस डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर 11th चैप्टर पार्ट टू. सो लेट स्टार्ट बेटा. द एंड्योरेंस स्लोली नेविगेटेड इट्स वे थ्रू द डेंजरस वाटर. जो एंड्योरेंस जहाज था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहाँ वो ले जा रहे थे उस शिप को. इट्स वे थ्रू द डेंजरस वाटर, और ये पानी बहुत खतरनाक था. बट देयर वॉज मोर आइस देन दे हैड एक्सपेक्टेड. लेकिन वहाँ पर बहुत बर्फ थी जैसा कि वो अनुमान लगा रहे थे. सून द शिप कुड नॉट मूव एनी फर्दर. लेकिन शीघ्र ही उन्हें यह पता चला कि जहाज अब आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता. द आइस हैड सराउंडेड द शिप, क्योंकि बर्फ ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था. एंड ट्रैप्ड इट फ्रोजन, और इसको जकड़ लिया था, बिल्कुल जाम कर दिया था, बर्फ में जमा दिया था. सेड वन मेंबर ऑफ सेक्लेटन क्रूज, और ऐसा सेक्लेटन के एक क्रू में, यानी क्रू मेंबर जो जहाज को चलाते हैं, उनकी टीम में से एक मेंबर ने ऐसा बताया कि जहाज फंस गया है, अटक गया है, जम गया है. लाइक एन एलमेंट इन द मिडल ऑफ अ चॉकलेट बार, जिस प्रकार से एक चॉकलेट बार के बीचों बीच एक बादाम फंसा दिया जाता है, उसी प्रकार से ये जहाज जम गया है डेंजरस वाटर में. फॉर 10 मंथ द एंड्योरेंस रिमेंड लॉक्ड इन द फ्रोजन वाटर. 10 महीनों तक वो एंड्योरेंस शिप लॉक रहा उस जमे हुए पानी में. बट इट वॉज स्लोली बींग क्रश्ड बाय द ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस ऑन आइल ऑल साइड. लेकिन ये जो जहाज था, धीरे धीरे सभी कोनों से, सभी तरफ से बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स के थ्रू कुचला जा रहा था. द मस्त वर फॉलिंग, जो उसका जो ऊंचा पार्ट था, जिसे कहते हैं टाल पोल्स ऑन अ शिप, जो सपोर्ट करने के काम में आते हैं, मस्त फॉलिंग, वो गिर रहे थे. एंड द शिप वॉज क्रम्बलिंग, और शिप जो था छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा था. सेक्लेटन टुक अ डिसीजन. सेक्लेटन ने तब एक निर्णय लिया. ही ऑर्डर्ड द क्रू, उन्होंने क्रू मेंबर को ऑर्डर दिया टू लीव द शिप, कि वो जहाज को छोड़ दें. दे अनलोडेड ऑल दियर फूड गुड्स एंड लाइफ बोट ऑन टू द आइस एंड वेटेड. उन्होंने क्या करा, अपना सारा खाने का सामान, लाइफ बोट उन्होंने बर्फ पर उतार लिए और इंतजार करने लगे. ऑन 21 नवंबर 1915 को दे वॉच्ड हेल्पलेसली एज द एंड्योरेंस सैंक इनटू द सी. वो असहाय होकर उस एंड्योरेंस जहाज को समुद्र में डूबता हुआ देख रहे थे. द मिशन हैड फेल्ड, उनका मिशन फेल हो चुका था. सेक्रेटन वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड. सेक्रेटन बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका था. बट ही सोलमली प्रोमिस्ड, लेकिन उसने मनी मन सीरियसली होकर वायदा किया, इफ़ आई कांट क्रॉस द अंटार्कटिक, यदि मैं अंटार्कटिक को पार नहीं कर सकता, आई एम एटलीस्ट गोइंग टू ब्रिंग ऑल माई मैन बैक अलाइव. कम से कम मैं अपने साथ जितने भी लोग आए हैं उनको वापस जीवित ले जा सकता हूँ. द फोकस नाउ वॉज टू रीच द नियरेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट. अब केवल इसी बात पर फोकस था कि उस स्थान पर पहुंचा जाए जहां पर मानव रहते हैं और अपना घर बनाते हैं. विच वॉज मोर देन 1300 किलोमीटर्स अवे, जो कि 1300 किलोमीटर से ज़्यादा था. सेक्रेटन चूज द 5 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ हिज टीम टू जर्नी विद हिम ऑन अ लाइफ बोट. तब सेक्रेटन ने क्या करा, उनमें से सबसे अनुभवी 5 मेंबर्स को चुना अपनी लाइफ बोट में ले जाने के लिए, यात्रा के लिए. द रेस्ट ऑफ द क्रू वुड स्टे बैक, बाकी के जितने भी क्रू के मेंबर थे वो वहीं रुके. एंड वेट फॉर हेल्प, और वो हेल्प का इंतजार करें. तो इस प्रकार से कुछ सीन रहा होगा जब वो लोग निकले होंगे नाव में बैठकर.
बट देयर फूड सप्लाईज वर रैपिडली डिसअपीयरिंग, लेकिन उनका जो खाने की सप्लाई थी वो बहुत तेजी से गायब हो रही थी, मीन्स निबट रही थी. दे वुड ऑल स्टार्व इफ द सेलिंग क्रू डिड नॉट रिटर्न विद हेल्प सून. वो लोग भूखे मर जाएंगे यदि जो सेलिंग क्रू थे, जो मदद के लिए गए थे 5 लोग, वो अगर वापस नहीं आएंगे मदद के साथ तो वो भूखे मर जाएंगे. द सिक्स मैन रोड द रफेस्ट सीज ऑन द प्लैनेट इन अ सिंपल लाइफ बोट. वो 6 के 6 व्यक्ति उस प्लैनेट पर सबसे रफेस्ट सी का, यानी उस सबसे रफ एरिया था समुद्र का, एक साधारण सी नाव में बैठकर वो निकले थे सवार होकर. द फ्रीजिंग विंड कॉन्स्टेंटली स्प्रेड साल्ट वाटर ऑन देम. और जो बर्फ जैसी हवा थी वो लगातार उनके ऊपर छिड़काव कर रही थी नमकीन पानी का. वेव्स 100 फीट हाई केम क्रैशिंग डाउन नियरली डिस्ट्रॉइंग देयर बोट. जो लहरें थी लगभग 100 फीट ऊंची उनकी नाव को बर्बाद कर देने के इरादे से उछलकर आ रही थी. फॉर 17 डेज द मैन ब्रेवली बैटल्ड द सी. 17 दिन तक उन लोगों ने समुद्र का बहुत बहादुरी से सामना किया, विंड का सामना किया एंड आइस का सामना किया. व्हेन दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, देयर क्लॉथ्स वर इन श्रेड्स. उनके जो कपड़े थे वो बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे. एंड देयर फेसेस वर कवर्ड विद आइस, और उनके चेहरे बर्फ से ढक चुके थे. बट सेक्रेटन डिड नॉट पॉज टू रेस्ट. लेकिन सेक्रेटन ने रेस्ट करने के लिए इंतजार नहीं किया, ना वो कहीं रुके. ही रैन टू द मैन ऑन द आइलैंड एंड रिक्वेस्टेड. वो उस आइलैंड पर उन मनुष्यों की तरफ दौड़े और उनसे प्रार्थना की, देयर हेल्प, उनकी मदद की प्रार्थना की. हिज क्र्यू वॉज वेटिंग फॉर हिम ऑन द आइस. क्योंकि उनके साथी क्र्यू मेंबर थे वो सेक्रेटन का इंतजार कर रहे थे बर्फ पर. द मैन दे हैड लेफ्ट बिहाइंड वेटेड पेशेंटली. जिन लोगों को वो इंतजार करता हुआ छोड़ आए थे पीछे, सिक्योर इन द नॉलेज दैट देयर लीडर वुड सर्टनली रेस्क्यू देम. उनको ये ज्ञान था, उनको ये जानकारी थी कि उनका लीडर निश्चित ही उन्हें बचा लेगा. इट वुड टेक मैनी मंथ्स फॉर द टीम टू रिटर्न. महीनों लग जाते हैं उनकी टीम को वापस होने के लिए. बिकॉज ऑफ द हैरिस अंटार्कटिक विंटर, क्योंकि ये अंटार्कटिका का सबसे हैरिस विंटर था. फाइनली ऑन 30 अगस्त 1916 ऑल 22 मैन वर रेस्क्यूड सेफली. फाइनली हुआ क्या, 30 अगस्त 1916 को जितने भी 22 मैन थे वो सेफली बचा लिए गए. नियरली 2 ईयर्स आफ्टर दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक 2 साल बाद उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की, इस बार इंग्लैंड से. सेक्रेटन एंड हिज एंड्योरेंस टीम केम बैक होम. सेक्रेटन और उसकी जो एंड्योरेंस टीम की जितने भी मेंबर थे वो घर वापस आ गए, उनके हीरोज थे वो. दे हैड नॉट रीच द साउथ पोल, लेकिन वो साउथ पोल नहीं पहुंच पाए. बट ऑल 28 मैन ऑफ द इम्पीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन हैड सर्वाइव्ड. लेकिन वो 28 मैन यानी 28 लोग इम्पीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में गए थे वो सब जीवित बच चुके थे. अनलेस सेक्रेटन नेवर स्टॉप्ड ड्रीमिंग अबाउट द साउथ. अनलेस सेक्रेटन ने अपनी आशा कभी भी नहीं खोई थी, उसने अपना सपना कभी भी नहीं रोका था साउथ के, साउथ पोल के बारे में. इन 1921 ही डिसाइडेड टू गो टू बैक. 1921 में उसने फिर से बैक डिसाइड किया. इट वॉज द लास्ट जर्नी ही एवर मेड. ये उसकी अंतिम यात्रा थी. सेक्रेटन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक बिफोर ही कुड रीच अंटार्कटिका. सेक्रेटन की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई इससे पहले कि वो अंटार्कटिका पहुंच पाता. द विल टू एक्सप्लोर, उसकी ये इच्छा शक्ति किसी को एक्सप्लोर करने की, एंड रीच आउट द अननोन रिमेंड स्ट्रॉन्ग, और
कहीं पे भी अननोन जो जगह बच गई थी बाकी रह गई थी उनको जानने की एक्सप्लोर करने की उसकी तीव्र इच्छा थी। टिल द एंड ये अंत तक बनी रही। इन द एक्सप्लोरर्स ओन वर्ड यदि हम एक्सप्लोरर के खुद के शब्दों की बात करें द ओनली ट्रू फेलियर इन लाइफ वुड बी टू नॉट एक्सप्लोर एट ऑल। तो सच्चाई ये निकल कर आती है जीवन के असफलता के बारे में कि लाइफ वुड बी लाइफ वही होगी टू नॉट एक्सप्लोर एट ऑल कि ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें। तो बेटा ये हमारा चैप्टर का अंत था। आई होप आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। इसके सी पार्ट के आंसर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।